आगा स्टील की जानिब से इंडस होटल हैदराबाद में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद हैदराबाद के मेंबरान के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उनको बेहतरीन स्टील इस्तेमाल करने के हवाले से आगाही सेशन भी मुनक्किद किया गया। जी माशाल्लाह, आज आगा स्टील इंडस्ट्री ने प्रोग्राम में इनेकाद किया है। इसमें बेसिकली एक इंफॉर्मेशन लंच और मीटिंग थी, जिसमें ये बताना चाह रहे थे आगा स्टील इंडस्ट्री का जो कंपनी पोर्टफोलियो है वो कब शुरू हुआ, कैसे उन्होंने प्रोग्रेस करी, और फिर उसके बाद जो आईकॉन के ऊपर ये जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टील बना रहे हैं उसका बेसिकली मेथड क्या है, क्या रीज़न है जो ये नई टेक्नोलॉजी अपना स्टील बना G60 बना रहे हैं और ग्रेट 72 का दोनों जो स्टील बना रहे हैं। इसके बाद से ये एक ब्रीफिंग मीटिंग थी अपना विद लंच, तो इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा। फिलहाल से मैंने जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं उनकी क्यादत में हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, उनके कहने पर ये जितने बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा शिरकत की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था माशाल्लाह। स्टील हमारे प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही अहम सुतून है। हम लोग सिर्फ ये ना सोचें कि बस स्टील लगाना है, हमने स्ट्रक्चर बनाना है और बिल्डिंग बनानी है। उसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूर सोचना है कि हमारी बिल्डिंग की लाइफ क्या है, हमारे जो अलॉटी हैं उनकी एक ये लाइफ की पूरे लाइफ की सेविंग है, एक असासा है, एक एसेट है। आगा स्टील एक पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। पाकिस्तान में वाहिद ये स्टील इंडस्ट्री है आगा, जिसके पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, जो कि किसी और कंपनी के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पूरी दुनिया में अभी जो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाइना हो, यूएई हो या मिडिल ईस्ट हो, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू प्रोडक्शन की जाती है स्टील की। तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ यहाँ पे आए हुए तमाम हमारे मौजूज़ मेंबरान का, मौजूज़ बिल्डर हजरात का, आप मीडिया वालों का। आज के इवेंट के लिहाज से जो है मैं इंजीनियर फराज साहब आबाद के वाइस चेयरमैन और उनके पूरे अराकीन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आके उनके मेंबरान को स्टील अच्छे स्टील बनाने की से आगाही के का दिया है। फराज मेमन हुसैन मेमन साहब को, जो कि आबाद के यहाँ के चेयरमैन हैं हैदराबाद रीजन के, और एसआरसी ईसी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं उबैद राजपूत साहब और एजाज काजी साहब का भी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को गेस्ट को अरेंज करने में हमारी मदद की और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हुआ है इंडस्ट्री में कि इतनी बड़ी कसीर तादाद में हमारे बिल्डर हजरात ने शिरकत की, और आगा स्टील ने जिस तरीके से तफसीली ब्रीफिंग दी है अपने स्टील के हवाले से, जो भी उनके प्रोडक्ट हैं वो वंडरफुल थी। और यकीन करें कि हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं था जितने अच्छे तरीके से वो जस्तजू कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में, और हम उनके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की और कामरानी नसीब करे। तकरीब में आबाद हैदराबाद के अहदेदारान फराज मेमन, उबैद राजपूत और दीगर ने शिरकत की, और आगा स्टील की जानिब से इस सेशन में मदऊ करने पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन फहीम लोदी के साथ आमिर राहो, हैदराबाद टाइम्स।